एवरीथिंग से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए, ये बीपीएससी का जो हेड मास्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। ये जो है हेड मास्टर का जो होता है प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के थ्रू उसका है, और ये 2024 का जो है ये प्लेटफॉर्म का बुक है आप देख सकते हैं। इसमें जो है टोटल आपको 13 सेट मिलेगा, जिसमें जो है एक सेट आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और 12 सेट जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज जो है हम दूसरा सेट का प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेट का प्रैक्टिस कर लिया, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल, तो चलिए आज हम दूसरा सेट पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारा सेट मिल जाएगा। टोटल 13 सेट जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका भी हम डिस्कशन कर लिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन पूछा है पार्ट वन से। आप देखिए यहाँ जो पूछा है, कह रहा है वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल √3 और √3 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या हुआ, दो मूल दिया हुआ है, कौन कौन सा, तो √3 और √3+1 और √3-1 दिया हुआ है। अब इसको करेंगे हम मूलों का योग, सबसे पहले निकाल लेंगे। तो मूलों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, √3+1 प्लस √3-1 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, तो √3+1 और √3-1 का गुणा कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, द्विघातीय समीकरण निकाल लेते हैं। द्विघातीय समीकरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x² - मूलों का योग इंटू x+ मूलों का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए हम इसे निकाल लेंगे, x² हो गया माइनस मूलों का योग कितना आया है, 2√3 आया है, इंटू x हो जाएगा, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया है, तो 2 आया है, बराबर क्या होगा, 0। तो इसका समीकरण का जो है आंसर क्या हो जाएगा, x² - 2√3x+0 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर जो है कितना है, 35 वर्ष है। जब अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र का वर्तमान आयु निकालना है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, x मान लेते, तो पिता का आयु क्या हो जाएगा, x+35 आ जाएगा। अब प्रश्न से जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम निकाल लेंगे, क्या कह रहा है, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो x+5 बराबर करेंगे x+35 और +5 कर देंगे, और ये क्या कह रहा है, पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, तो x+5 की हम दुगुनी कर देते हैं, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x+5 × 2 बराबर x+35 + 5, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा में देखिए, अरुण ने 25 रुपया में 8 की दर से केले खरीदे और 20 में 6 की दर से केले को बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं प्रश्न जैसे जैसे बोला वैसे हम सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 8 × 3, ये क्या हो जाएगा, क्रयमूल, 8 केले का जो क्रयमूल हो जाएगा 25 रुपया, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देते हैं, 25 में भी 3 से, तो 75 हो जाएगा। अब देखिए 6 केले का विक्रयमूल कितना है, 20 रुपया, तो 6 × 4, अब विक्रयमूल हो जाएगा, इधर भी कर देंगे 20 × 4 बराबर 80 हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर निकाल देंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत हम निकाल लेते हैं, तो 80 - 75 / क्रयमूल कितना हो जाएगा, 75 × 100, तो कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चार नंबर, देखिए कह रहा है यदि किसी विशिष्ट आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 21 है, तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका ज्ञात कीजिए, आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें बैठा लेंगे, बहुलक कितना दिया हुआ है, 21 दिया होता है, 21 बराबर 3 × माध्यिका नहीं दिया हुआ है, और -2 × 12 क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 3 माध्यिका = 21 + 24, और माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 45/3 = 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ई आ जाएगा। इसके बाद है पांच नंबर क्वेश्चन, देखिए पांच नंबर का 10 इकाई बाह्य त्रिज्या और 5 इकाई अंतः त्रिज्या वाले एक खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए, इसको निकालेंगे, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। इसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी सतह का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक सतह का क्षेत्रफल और प्लस जो हो जाएगा छल्ले का क्षेत्रफल, तो हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फिगर में इस तरह से बना सकते हैं, यह बड़ा आर जो हो गया ये हो गया बाहरी, और छोटा आर हो गया ये आंतरिक हो गया। अब चलिए हम निकाल लेते हैं, बाहरी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2π, और बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है आंतरिक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2π r², और प्लस जो है छल्ले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, π × R² - r² हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, बराबर हो जाएगा π 3π r² + r² हो जाएगा, π कॉमन लेंगे तो 3 × और देखिए बड़ा r का मान कितना हो गया 10
दिया हुआ है त्रिज्या और छोटा आर का 5 दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 325 पाई वर्ग स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं इससे क्या निकलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर का हम तोड़ लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। और ये देखिए घात कितना दिखा रहा है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए ये किसका रूट दिया हुआ है, तो ये जो है 94 का रूट दिया हुआ है, और ये जो है देखिए 784 किसका हो जाएगा स्क्वायर, 78 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1849 किसका हो जाएगा माइनस जो हो जाएगा 43 का, तो इन दोनों को जोड़ कर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 129, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी नंबर आ जाएगा। इसके बाद है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें भुजा कितना दिया है, 20 दिया है, तो इसको हम निकाल लेंगे, 20 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा टोटल, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3240 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा, यानी 3240 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में समानांतर रेखाओं के युग्म को एक त्रियक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो कोण ए का मान क्या होगा, इस कोण का हमको मान निकालना है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एकांतर कोण से इसका अगर 72 मान हो जाएगा तो इसका भी क्या आ जाएगा, 72 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, तो जब दो समांतर रेखाओं एक त्रियक रेखा को काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो ये दोनों एकांतर कोण से इसका आंसर 72 आ जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएं सह अभाज्य है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25, यानी सी नंबर 8 और 25 आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। और सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो दो संख्याएं जिनमें केवल एक हिस्सा गुणनखंड होता है सह अभाज्य संख्या कहलाता है, और ऐसा कंडीशन किस में है, सी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कह रहा है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहला शब्द से संबंधित है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है चमगादड़ का जो है समूह क्या कहलाता है, क्लोनी कहलाता है, तो शेर का समूह क्या कहलाएगा, प्राइड कहलाएगा, यानी प्राइड माने क्या होता है, झुंड हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें, तो चलिए हम चयन कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार पहले में ए ऑप्शन से चलते हैं, 4 का स्क्वायर गुने 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इसका गुना कर देंगे तो 4 चौका 16 गुने 3 हो जाएगा, 16 कितना आता है, 48। देखिए ये क्या होगा, नहीं मिला, तो इसका आंसर जो एक ही आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर ठीक है गुने 7 माइनस 1 ठीक है, तो 7 × 7 49 हो जाएगा, और गुने 49 × 6 कितना हो जाएगा, 294। देखिए ये मिल गया, इसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 5 का स्क्वायर गुने 5 माइनस 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 यानी 100 आ जाएगा। देखिए इसी तरह जो है इसका भी आ जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर जो है, 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 × 48 ही होगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इस तरह से बना सकते हैं। अब 13 नंबर हम चलते हैं, 13 नंबर में आप देख सकते हैं दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े, कथनों की दी गई जानकारी को सत्य मानते ही भले वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो देखिए कह रहा है सभी मंत्री राजनेता है, तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे, देखिए इस तरह से खाका बना लेंगे, सभी मंत्री जो है राजनेता है, और फिर कह रहा है आगे सभी पायलट मंत्री है, फिर करेंगे क्या, सभी पायलट है यहाँ मंत्री है देख सकते हैं, और आगे कह रहा है कोई भी अभियंता राजनेता नहीं है, तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष में चलिए, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ मंत्री पायलट है, तो आप देख सकते हैं कुछ मंत्री पायलट है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कोई भी अभियंता मंत्री नहीं है, यह भी सही है, और कोई भी अभियंता पायलट नहीं है, यह भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका जो आंसर आ जाएगा बी नंबर, इसका आंसर बी में क्या दिया हुआ है, सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम बना लेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए 22 दिया हुआ है, तो 22
गुने और 22 कैसे होता है, 2+2 आता है, इसको हम गुना कर देंगे तो 22 गुने 2 × 4 हो जाएगा, 22 कितना हो जाता है 88। तो देखिए ये 88 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 37 को क्या करेंगे, 37 गुने 3+7 कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 37 गुने 10 बराबर 370। तो देखिए 370 नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ई नंबर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का है, नीचे 4 वर्ग समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ग समूह का चयन करें। तो चलिए हम चयन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जो है, देखिए जैसे एन और पी के बीच में कितना का गैप है, 2 का गैप है, और के और आर के बीच में कितना का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। इसी प्रकार टी और वी में 2 का गैप हो जाएगा, एक्स और क्यू में, एक क्यू और एक्स में कितना हो जाएगा, 7 का गैप हो जाएगा। उसी प्रकार है देखिए बी और डी में कितना का गैप हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वाई और एफ में कितना का गैप होगा, 7 हो जाएगा। अब सी नंबर में देखिए एक्स और जेड के बीच में 2 का गैप सही है, लेकिन टी और बी के बीच में जो है कितना का, 8 का गैप हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसको हमको क्या करना है, त्रिभुज गिनेंगे, और इसका जो है त्रिभुज कितना हो जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा। देखिए 8 कैसे आ जाएगा, तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज 1 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 हो जाएगा इस तरह से, इसके बाद ये 1 हो गया, 3 1 हो गया, ये 4 हो गया, इसके बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। टोटल कितना त्रिभुज हो गया, 8 आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा, यानी यहां क्या बढ़ाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसका क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है 3² + 4 कर देंगे, तो 3 × 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। उसी तरह इसी पैटर्न पर है, देखिए इसको क्या करेंगे, 6² + 31 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। उसी प्रकार 5² + 20, 5 × 25 = 20 कितना आ जाएगा, 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। इसके बाद है 16-18 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। तो देखिए 27 और 30 में 3 का गैप हो गया, 30 और 37 में 7 का गैप हो गया, 37 और 50 में कितना का गैप हो गया, 13 का गैप हो गया। उसी तरह 50 और यहाँ क्या देंगे, तो यहाँ हम अगर 69 दे देते हैं तो कितना का गैप हो जाएगा, 19 का गैप हो जाएगा, और 69 और 98 के बीच में कितना का गैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 का गैप हो जाएगा। तो यह देखिए यहाँ अभाज्य संख्या को एकांतर क्रम में लिखा गया है। देखिए सबसे पहले जो है अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 5 होता है, 11 होता है, 17 होता है, 23 होता है, नहीं तो एक एक छोड़ के, यहाँ कितना का गैप हो गया, 3 का हो गया, तो इसके बाद 7 का होगा, इसके बाद 13 का होगा, इसके बाद कितना का, 19 का हो जाएगा, और इसके बाद 29 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है डी नंबर आ जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कहा है गणितीय चिन्ह का वह सही संयोजक चुने जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है बी नंबर, हम जो देखिए यहाँ जो है हम गुना रख देंगे, यहाँ जो है हम भागा का चिन्ह रख देंगे, और यहाँ जो है हम जोड़ का चिन्ह रख देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह रख देंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह रख देंगे, और यहाँ गुना का। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि क्रिकेट को इस तरह से हम लिख सकते हैं तो उसी प्रकार प्लेयर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, देखिए क्रिकेट को है किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए सी आर आई है, तो सबसे पहले क्या आई आ गया, आर वैसे ही रह गया और सी आ गया। इसी प्रकार सी जो है सामने सामने है। इसी बार के ई टी को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टी लिखेंगे, इसके बाद ई को छोड़ देंगे और के इधर से इधर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हम प्लेयर को कैसे लिखेंगे, पी एल ए को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसके बाद एल लिखेंगे, इसके बाद पी लिखेंगे, और वाई को सेम ही छोड़ देंगे। इसके बाद ई आर एस को हम कैसे लिखेंगे, पहले एस लिखेंगे, आर को वैसे ही छोड़ देंगे सामने सामने, और ई को लास्ट में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। अब चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है देख लेते हैं। इसमें देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर। नंबर कह रहा है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। तो ये कौन सा उत्तरदायी हो जाता है, ये हो जाता है डीएनए होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद 24 नंबर देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्य रूप से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोक्सिन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है हाइड्रोजन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ पे भंडारित होता है, तो लीवर यानी यकृत में भंडारित होता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये H2SO4 जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर देखिए आयोडीन
कृत लवण में रहता है तो आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर कह रहा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर देखिए निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विषाणु वायरस में जो है कोई भी एंजाइम नहीं होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है तो ये ऐसा कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ये हो जाएगा थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिली होती है। इसके बाद 35 नंबर देखिए एड्स किसके कारण होता है तो एड्स जो होता है ये हो जाएगा विषाणु वायरस के कारण एड्स होता है। इसके बाद 36 नंबर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो इसका जो हो जाएगा एओ ह्यूम जो है इसका संस्थापक थे, इसका स्थापना कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 इसमें दिन जो था सोमवार था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कह रहा है स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगी किसका कथन है तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी तो ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है तो इसका जो स्थापना किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी दी गई थी। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया तो देखिए मिलाने की बात करें तो ये जो हो जाएगा 2017 हो जाएगा। इसके बाद है 42 नंबर देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य हो गया अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी तो ये जो हो जाएगा 1913 ईस्वी हो जाएगा। 44 नंबर पर आते हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है तो ये जो हो जाएगा 38 सीटें जो है आरक्षित हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि आपको बहुत ही सारा वीडियो मिलने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% की आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है तो यह कब किया गया है 2006 में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 46 नंबर का है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया है तो ये जो है 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया है 15 नवंबर 2020 ईस्वी को विभाजित किया गया था। इसके बाद अगला 47 नंबर देखिए चोल वंश का संस्थापक कौन था तो चोल वंश का संस्थापक हो जाएगा विजयालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे तो इसका जो अध्यक्ष है महाकश्यप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया तो देखिए यहाँ कह रहा है पूरा करने की बात कर रहा है ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो इसका जो संस्थापक हो जाएगा हरियाणा और बुक्का नामक दो बहाई थे जो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं किस मुगल शासक के समय सर टॉमस रो भारत आया था तो वो मुगल शासक कौन था ये हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आयने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है तो ये जो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा जो है आयने अकबरी लिखी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है तो ये कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा बी डी सावरकर हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है तो ये कहाँ हो जाता है पटना में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं तो ये कहाँ से निकलती है ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा तो बिहार में जो है पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील बेगूसराय को चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है तो टोटल अनुदान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित हो जाएगा तो 300 जो अनुच्छेद है किससे हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कह रहा है ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था इसके पास जो है खाद एवं कृषि विभाग था। इसके बाद 61 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया है तो ये हो जाएगा बलबन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष इसका संस्थापक हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था 1857 का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा
विलियम टेलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो इसका जो निर्णय लेगा महात्मा गांधी ने लिया था। इसके बाद 65 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो ये जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में जो है सोमेश्वर पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? यानी ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नवादा में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर का है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? तो ये जो किया गया था कब किया गया था? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? यानी फ्रांस से किसने मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान मदद मांगी थी। इसके बाद 70 नंबर देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व यानी सभापतित्व किया गया था? तो कितने अधिवेशन का? एक अधिवेशन का। कब हुआ था? 1924 में। अब कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर में कह रहा है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। यानी 40 से लगभग 46 तक ये बने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है? तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 73 नंबर, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं? तो सघन वन जो लाभदायक हो जाएगा इमारती लकड़ी के लिए, इसका आंसर दिया जाएगा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 74 नंबर में कह रहा है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? पियरी कहलाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ताप विद्युत में कौन सा जो है जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, झारसुगुड़ा कहाँ है? राजस्थान में, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर का, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है ये 7 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रथम महिला सचिव बनी है? तो ये हो जाएगा सेलेस्टे सौले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का रहा है, किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1930 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर का रहा है, पुना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो बिहार में कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा झुमरी नृत्य हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बड़ी की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा एंडीज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो विधानसभा का जो चुनाव लड़ने के 30 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको इसमें से खोजना है मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्र पति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 अनुच्छेद के तहत लगाते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस विधि का हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयोग विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिक्किम एक नया राज्य बना, तो सिक्किम जो है कह रहा है किस वर्ष एक नया राज्य बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को जो है सिक्किम एक नया राज्य बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके देखिए, इसमें जो है लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंहा राव और चौधरी चरण सिंह नहीं होगा, एमएम स्वामीनाथन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा पुष्पा भारती को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में 2023 साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये कितने भाषा में हो जाएगा? ये 24 भाषा में हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्रेबियल
अटाल हो जाएगा, ग्रेवियर अटाल हो जाएगा। इसके बाद 95 नंबर देखिए, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, भारत के किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला देखिए बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ताय तुजू गिंगा, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर का, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी, और ये जो मनाया जाता है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PSEA उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो PSEA उपग्रह जो लॉन्च किया है नासा ने किया है। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कह रहा है पहली बार, तो ये कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर में हो जाएगा, 100 का 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पार्ट 2 में जो है साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है, तो ये कौन सा इकाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करती है, ये लाभ नहीं होगा। क्या सब लाभ हो जाएगा, तो पहला कार्य यह शिक्षकों को समय और संसाधन को व्यवस्थित करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करता है, ये भी सही है। तीसरा कार्य यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करता है, तो ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो नंबर देखिए, मानस मंथन गतिविधि सहायक करती है, तो किसमें करता है, तो रचनात्मक विचारों के सृजन में जो है मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। इसके बाद 103 नंबर देखिए, वह पत्ती जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद 104 नंबर देखिए, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है, तो बालक का विकास किन क्षेत्रों में हो जाएगा, शारीरिक संज्ञानात्मक गामक और सामाजिक हो जाएगा। अगला देखिए 105 नंबर कह रहा है, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण क्या है, तो इसका जो मूल गुण हो जाएगा आक्रामक कठोर और कुशल होना, इसका आंसर एक आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर का रहा है, केवल कागज पेंसिल जांचों का आकलन ये क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आकलन को सीमित कर देता है, यानी केवल कागज पेंसिल का जांच करेंगे तो ये क्या होगा, आकलन को सीमित कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक एक शाखा है, तो सृजनात्मक एक शाखा किसका हो जाएगा, व्यक्तित्व का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये किस प्रकार से हो जाएगा, मौन वाचन से कर सकते हैं, यानी आत्मीकरण से कर सकते हैं, इशारा विधि से कर सकते हैं, उंगली वाचन से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर कह रहा है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता जानने की प्रमुख विधिया कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी व्यक्ति इतिहास विधि हो सकता है, सामूहिक अभिलेख हो सकता है, परीक्षण हो जाएगा और बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। इसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, 111 नंबर में कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति और कार्यकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के समान होते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 111 का आंसर एक हो जाएगा। 112 में देखिए, शिक्षकों को निम्नलिखित आचरण में कौन सा आचरण यह दर्शाता है कि वे बाल अधिकार का सम्मान करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर कह रहा है, 2026 तक सार्वभौमिक आधारभूत संख्यात्मकता को प्राप्त करने के लिए NEP 2020 का पहला उद्देश्य क्या है, इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा संख्या समूह हो जाएगा, इसका आंसर एक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 114, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का एक कार्य नहीं है, यानी इसमें कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला कार्य, माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा एक ही हो जाएगा। अगर पूछ दे कौन कौन सा हो जाएगा स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य हो जाएगा, तो देखिए अनुदान की उपयोगिता की निगरानी करना बिल्कुल सही है, स्कूल के कार्य की निगरानी करना यह भी सही है, और स्कूल विकास योजना तैयार करना यह भी सही है। इसके बाद 115 नंबर देखिए, आप कमजोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपने अलग से समय देकर पढ़ाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर का है, कौन सा विद्यार्थियों में सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, सामान्य सीखने की प्रेरणा, ये क्या हो जाएगा, कठिनाइयों का उदाहरण नहीं हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 117 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे बच्चों को पुरस्कार और दंड देने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनर्बलन हो जाएगा, यानी 117 का जो है डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 118 में देखते हैं, आपको अपनी कक्षा
में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें क्या करेंगे? तो उसको हम क्या करेंगे, उन्हें हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकें सीखेंगे, यानी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकें हम सीखेंगे मंदबुद्धि बच्चों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 119 नंबर कह रहा है, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 514 आयु वर्ग के नामांकित 50% बच्चे पहुँचने तक स्कूल छोड़ देते हैं, यानी 50% बच्चे पहुँचने तक स्कूल क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्या, कौन सा क्लास तक, 8वां क्लास तक जो है पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 120 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित के बाद देश भर में डैट की स्थापना एक प्रमुख विकास नहीं है, तो किसके बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NEP 1986 के बाद जो है देश भर में डैट की स्थापना एक प्रमुख विकास नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर कह रहा है, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उसमें फेरबदल कर देना निम्नलिखित में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा पाठन वैकल्प से हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 122 नंबर देखिए, स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है, तो ये जो करती है सामाजिक और संप्रेषण कौशल को प्रभावित करती है। इसके बाद 123 नंबर देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो सही इसमें खोजना है, तो देखिए वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर का है, श्रवण बाध्यता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में कौन सी पद्धति सहायक होगा, तो ये कौन सी पद्धति सहायक हो जाएगा, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। इसके बाद 125 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रम में प्रभावशाली नहीं होगी, इसमें नहीं खोजना है, तो ये हो जाएगा निष्क्रिय अनुवाचन करना, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर कह रहा है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्ययन को उन्हें खाली स्थान के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, तो किसके रूप में करना चाहिए, प्रयत्न और त्रुटि के रूप में, प्रयत्न और त्रुटि विधि के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहन करना चाहिए, 126 का बी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनानुसार रूपांतरण करने की क्षमता को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परासंज्ञान कहेंगे। इसके बाद 128 नंबर देखिए, 128 नंबर में कह रहा है, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। 129 नंबर देखिए, खाली स्थान के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद 130 नंबर देखिए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर क्या करेंगे, तो विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो तो अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली होंगे। इसके बाद 131 नंबर देखिए, 131 नंबर में कह रहा है, निम्न में कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा योग्यता का वार्धित मत हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद 132 नंबर देखिए, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 133 कह रहा है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है, तो ये किया गया है किस सिद्धांत में, ये हो जाएगा ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो है निकटस्थ विकास क्षेत्र की चर्चा किया गया है। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, 134 में कह रहा है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो एक अध्यापिका का जो है विद्यार्थियों को पार प्रदान करना चाहिए, यानी सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके, उनका यानी सहयोग देना चाहिए। इसके बाद 135 नंबर देखिए, 135 में कह रहा है, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है, तो ये कौन सा अवस्था हो जाएगा, स्तर 3 हो जाएगा, उच्च परंपरागत चरण हो जाएगा। इसके बाद 136 नंबर देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुक्त खाली स्थान केंद्रित होना चाहिए, ये हो जाएगा अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, 137 में कह रहा है, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य, यानी गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना, इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। 38 में देखिए, लैब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या होता है, तो भाषा हो जाएगा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके बाद 139 नंबर देखिए कह रहा है, अक्सर गुलाबी रंग
को लड़कियां से और नीले रंग को लड़का से जोड़ना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता का। फिर से देखिए, कह रहा है अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़का से जोड़ना ये रूढ़िवादिता यानी जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा रचनात्मक आकलन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में एक दृष्टि बाधित विद्यार्थी अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपवर्ग को अपनाएंगे, तो ये हो जाएगा विभिन्न प्रकार के स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। इसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने की सुझाव देना चाहिए, तो इसका जो हो जाएगा प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 144 नंबर देखिए, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को कहा जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अधिसंज्ञान कहेंगे। इसके बाद 145 नंबर देखिए, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है, तो वह जो हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का समुच्चय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद 146 नंबर देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है, तो इसके बारे में क्या सही हो जाएगा, त्रुटियाँ अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। त्रुटियाँ क्या है, बच्चों को सीखने का ही एक अंग माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 147 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है, तो ये कौन सा संवेग हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा। इसके बाद 148 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है, इसमें आपको क्या खोजना है, नहीं खोजना है, तो ये हो जाएगा कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यही आपको खोजना है, यानी पहचान नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा। 149 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा विशिष्ट पहचानों यानी अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, ये क्या हो जाएगा, अधिगम में बाधा पहुँचाने की संभावना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु यानी पढ़ाई जाने विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, तो बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो, यानी बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी तो अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा। देखिए यहां आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।